ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्या टारगेट है कि हमने रेडियो एक्टिविटी के 5 पेपर्स कंप्लीट करने हैं, और जितने हम प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिकल क्वेश्चंस उतने प्रैक्टिस करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस, 21 और 22 के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हमने ईयरली में भी कवर किए, बिकॉज हमने उसकी ईयरली प्रैक्टिस की है। सो 2020 और उससे पीछे के जो हम टॉपिकल क्वेश्चंस हैं उनको आज रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको फॉस्फोरस 32 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यू कैन सी। मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, वो पता नहीं पीडीएफ फाइल थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट ये 32 लिखा हुआ है, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये जो यहाँ नंबर है शुड बी 32। तो ये आपका आइसोटोप एक दिया हुआ है और इट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। सो दिस आइसोटोप गोज अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके एंड व्हाट डू वी हैव टू डू। वो कह रहे हैं कि आप ये आपको हम बता रहे हैं कि इट डिकेज बाय बीटा एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिट करता है, और जब वो एक स्टेबल आइसोटोप बनाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर बनता है। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि फॉस्फोरस की जो हाफ लाइफ है, फॉस्फोरस जब रेडियो एक्टिव डिके करता है तो उसकी हाफ लाइफ 2 वीक्स है। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि सल्फर का जो आइसोटोप है, सल्फर का जो न्यूक्लियस बनेगा वो फॉस्फोरस के न्यूक्लियस से कैसे डिफरेंट होगा। सो इसके लिए आपको पहले तो ये बात याद होनी चाहिए कि बीटा डिके में जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरली न्यूक्लियर इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। अगर आप बीटा डिके लो और आपके पास कोई भी एक न्यूक्लियस है, एक्स एक्स न्यूक्लियस है और वो वाई बना रहा है आफ्टर बेसिकली एमिटिंग अ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल के अपने जो यहाँ पे चार्ज और मास का नंबर होता है वो -1 और 0 होता है। अब लेट सपोज मैं ये कह देता हूँ कि मेरा जो एक्स था पार्टिकल, उसका जो प्रोटॉन नंबर था वो जेड था और उसका जो मास नंबर था वो था ए। तो वाई का मास नंबर क्या होगा और वाई का जो व्हाट डू यू कॉल इट, वाई का जो प्रोटॉन नंबर है और वाई का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो क्या होगा। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट इन बीटा एमिशन व्हाट हैपेंस इज पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल के न्यूक्लियस में व्हाट हैपेंस इज कि आपका एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। सो अ न्यूट्रॉन बेसिकली टर्न्स इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, और उसकी वजह से साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होता है। दिस इज व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड द पार्टिकल ड्यूरिंग बीटा एमिशन। अब न्यूट्रॉन का ये सिंबल होता है और प्रोटॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का ये सिंबल नहीं होता, न्यूट्रॉन का ये सिंबल होता है, प्रोटॉन का ये सिंबल होता है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर आप ऑन अ फंडामेंटल लेवल इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, व्हाट यू आर सीइंग इज कि न्यूट्रॉन का अपना प्रोटॉन नंबर तो 0 होता है बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोटॉन, बट इट्स अ न्यूक्लियॉन तो इसका न्यूक्लियॉन नंबर 1 होता है। प्रोटॉन का 1 1 होता है बिकॉज इट्स सेल्फ ये एक प्रोटॉन है, बट इसका न्यूक्लियॉन नंबर भी 1 होता है। तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा और इसके अंदर +1 का चेंज आ रहा है। सो फॉर बीटा माइनस एमिशन, बीटा माइनस पार्टिकल आपको खुद पता होना चाहिए ये एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है और यहाँ पे बीटा माइनस पार्टिकल लिखा है, ये दोनों सेम चीज़ है। नाउ वट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हेयर इज, मैं यहाँ पे कहना यह चाह रहा था कि आपका जो चेंज आएगा, आपका जो चेंज आएगा जेड में वो आएगा +1 का। सो वट एवर इज जेड इज वाई में प्रोटॉन नंबर 1 ज्यादा होगा जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियॉन नंबर है, जो मास नंबर है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आप लोगों को अभी डायरेक्टली नहीं पढ़ाया, तो मैंने कहा कि हम पासवर्ड्स करते हुए साथ साथ पढ़ाए। होप आप लोगों ने वीडियोस देख ली, क्योंकि मैंने आपको बहुत महीना पहले तकरीबन बोल दिया था कि प्लीज़ वीडियोस जो हैं उनको से रिवाइज करना। सो होपफुली मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। इन बीटा डिके प्रोटॉन नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स द सेम। सो व्हाट कैन वी से कि आइसोटोप जो है सल्फर का, उसके न्यूक्लियस में और फॉस्फोरस का जो न्यूक्लियस है उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। सो सीधी सी बात ये है, जैसे कि मैंने बताया कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, दैट बेसिकली मीन्स के सल्फर के अंदर सल्फर विल हैव 1 मोर प्रोटॉन देन फॉस्फोरस। पहली बात तो ये पता चल गई आपको, ठीक है। तो सल्फर के अंदर 1 मोर प्रोटॉन होगा बिकॉज जो फॉस्फोरस था उसका एक प्रोटॉन
सॉरी, एक न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन में चेंज हो गया, तो दैट हैज वन मोर प्रोटॉन. बट एट द सेम टाइम क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ था, तो उसका न्यूट्रॉन जो है वो एक कम हो जाएगा. बट व्हाट विल से, सल्फर विल हैव वन लेस न्यूट्रॉन देन फॉस्फोरस. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो फॉस्फोरस है उसका था सिंबल ये 15, उसमें प्रोटॉन थे, और 32 जो है वो उसका न्यूक्लियॉन नंबर था. इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, यू कैन टेल मी. इसके अंदर प्रोटॉन है 15 और इसके अंदर न्यूट्रॉन है. कैसे बताते हैं, आपको पता होना चाहिए. 32 में से 15 माइनस करोगे तो 17 न्यूट्रॉन्स है. नाउ इफ यू लुक एट सल्फर, सल्फर का सिंबल कुछ ऐसा होना चाहिए. इफ यू लुक एट द जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर 15 है बेटा और यहाँ पे 32 है, तो 32 तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, विच बेसिकली मीन्स कि आई कैन राइट 32 ओवर हियर. बट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 15, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 16 प्लस 1 करना पड़ेगा. सो नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 प्रोटॉन्स है, जैसे कि मैंने कहा था, वन मोर प्रोटॉन, राइट. और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 32 माइनस 16, 16 ही होता है, वन लेस न्यूट्रॉन. तो अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट मैं एक्सप्लेनेशन शुरू शुरू में लंबी दूंगा ताकि हम समझ सकें चीज़ों को. बाद में फिर हम स्पीड बढ़ा के, जब रिपीट हो रही होंगी चीज़ें, तो कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी करेंगे. तो दोनों फातिमा, दोनों को समझ में आ गई वाली बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रही अब इसके अंदर. मैंने कोशिश करके बहुत एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि आपको एक एक डिटेल समझ में आ जाए बीटा टीके की. फातिमा खान, डू यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट? गुड, थैंक यू. चलें, सो एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो द रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स दिस मैनी एटम्स ऑफ फॉस्फोरस. मतलब जो आपका अनडिकेड न्यूक्लियस है उसके इतने एटम्स मौजूद हैं सैंपल के अंदर, सही है. एट द सेम मोमेंट अ सैंपल कंटेन्स नो एटम्स ऑफ सल्फर. तो सल्फर के कोई एटम नहीं है, सैंपल इनिशियली प्योर फॉस्फोरस का बना हुआ है. बट यू नो इवेंचुअली क्या होता है सैंपल के साथ, सैंपल के अंदर फॉस्फोरस के एटम्स कन्वर्ट होते जाएंगे सल्फर के एटम्स में. तो सैंपल के अंदर फॉस्फोरस के एटम्स कम होते जाएंगे, सल्फर के एटम्स बढ़ते जाएंगे. इवेंचुअली व्हेन एवरी व्हेन द कंप्लीट सैंपल हैज डिकेड, इट विल बी ऑल सल्फर, सल्फर एंड नो फॉस्फोरस. वो ये कह रहे हैं कि प्लॉट अ ग्राफ टू शो द टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन द सैंपल. अब ये एक अनयूजुअल क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली जो आप ग्राफ पढ़ते हो और हाफ लाइफ को जब समझते हो, तो आप जो ग्राफ बनाते हो वो उस वाले एटम का बनाते हो जो एक्चुअली ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रहा होता है सैंपल के अंदर. मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉस्फोरस का जो ग्राफ है वो बनाना ज्यादा आसान है, और फॉस्फोरस का देख के सल्फर का बनाया जा सकता है. फॉस्फोरस डिक्रीज होगा, सल्फर इंक्रीज होगा. बट द कॉन्सेप्ट, द वे आई टीच दिस कॉन्सेप्ट एंड द वे दैट कॉन्सेप्ट इज टॉट इन मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशंस इज इन अ वे कि आप जो अनडिकेड न्यूक्लियस है, जो जो अनस्टेबल वाला न्यूक्लियस है, उसके डिके का पहले डिक्रीज वाला पार्ट आप प्लॉट कर लो, उसको देख के आप फिर सल्फर का जो प्रोडक्ट है, जो आपका स्टेबल एटम बन रहा है, उसको बाद में प्लॉट करो. और हाफ लाइफ की जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो बहुत हमारे काम आएगी. सो कैन समवन रिपीट फॉर मी इन द चैट द सैम्पल द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, अपने लफ्जों में या जो आपने वीडियो से देखी है या समझी है कि हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है, वो मुझे बता दो, ताकि फिर हम पहले फॉस्फोरस का ग्राफ प्लॉट कर सकें. ऑल दो आंसर उनको सल्फर का चाहिए, बट वी विल स्टार्ट विद प्लॉटिंग द फॉस्फोरस वन फर्स्ट. सो बता सकते हो मुझे, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द एटम्स इन द सैंपल टू डिके. गुड, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द सैंपल टू डिके. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉस्फोरस के इनिशियली कितने थे, 3.2. तो 3.2 यहाँ आता है बेटा, 3.2 यहाँ आता है. कैन यू सी 3.2 कितनी हाफ लाइफ थी हमारे सैंपल की? हमारे सैंपल की हाफ लाइफ थी 2 वीक्स. फॉस्फोरस जो है वो 2 वीक्स में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो 3.2 जो है वो 2 वीक्स बाद, 2 वीक्स बाद मुझे वाई एक्सेस पे क्या वैल्यू प्लॉट करनी चाहिए, 2 वीक्स बाद मेरे फॉस्फोरस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.2 से आधी हो जाएगी. सो 3.2 का हाफ क्या होता है, 3.2 का हाफ होता है 1.6, विच मीन्स के मुझे 2 वीक्स बाद फॉस्फोरस के इतने एटम्स मिलेंगे.
2 वीक्स बाद पता चल गया। अब बताओ 4 वीक गुजर गए, 1.5 क्यों बेटा फातिमा, 3.2 का आधा कर रहे हैं ना, 3.2 का हाफ 1.6 होता है, राइट। अच्छा अब 4 वीक्स बाद क्या होगा, जो मैंने सर्कल किया टाइम, इस पे क्या वैल्यू होगी। दोबारा से 2 वीक्स और गुजर रहे हैं, ये 2 वीक्स गुजरे थे, अब 2 वीक्स और गुजर रहे हैं, एक और हाफ लाइफ गुजर रही है, तो 1.6 का फर्दर हाफ हो जाएगा। 1.6 का आधा क्या होता है, 0.8 होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 वीक्स के बाद हमारी जो वैल्यू है वो 0.6 पे प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के पास लैग ना कर रहा हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर चुका हूँ और तुम लोगों के पास शायद लैग आ रहा है, मे बी। एक मिनट रुको, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं इस शेयरिंग को स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करूंगा, मुझे 2 मिनट आप लोग देना, ठीक है, फिर हम इस ग्राफ को कंप्लीटली प्लॉट करते हैं। सो हमने 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, लेट्स जस्ट प्लॉट अ कपल ऑफ मोर पॉइंट्स फॉर फॉस्फोरस, एंड देन उसको देखते हुए हम सल्फर को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट कैन यू टेल मी कि 6 वीक्स पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, फर्दर एक और हाफ लाइफ जब गुजर जाएगी, 6 वीक्स पे क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब 0.6 का आधा क्या होता है, 0.3 होता है, 0.3 आएगा इस और इस लाइन के बिल्कुल बीच में, यहाँ आएगा 0.6, राइट। ये हो गया हमारे पास, अब क्या बचा, अब क्या बचा हमारे पास, 0.8। 0.8 के लिए अब आपको इतना एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा हमारी वैल्यू कम हो गई, सो यू कैन काइंड ऑफ जस्ट कंटिन्यू द ट्रेंड एंड नॉट रियली प्लॉट अ पॉइंट ओवर देयर, बट स्टिल जस्ट टू चेक के 0.3 का आधा क्या होता है, 0.3 का आधा होता है जी 0.15। अब 0.15 यहाँ पे प्लॉट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.2 और ये है 0.4, तो 0.15 को यहाँ प्लॉट करना बहुत ही मुश्किल होगा। कहीं यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं बिल्कुल समवेयर क्लोज टू दिस लाइन, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि इस पॉइंट को ना प्लॉट करो, इसको रहने दो, ठीक है। अब सल्फर के लिए उन्होंने पहला पॉइंट हमारे बना के दिया हुआ है, ठीक है, सल्फर के लिए पहला पॉइंट हमें बना के दिया हुआ है। अगर आप फॉस्फोरस का ग्राफ बनाना भी चाहते हो तो बना लो, बाद में इसको मिटा ही देना, हमने ये हमारे किसी काम का नहीं है सच। ये है फॉस्फोरस का ग्राफ, होपफुली ये समझ में आ रहा है। अब ये ग्राफ बहुत रिकग्नाइजेबल है, एक्सपोनेंशियल डिके कर्व बन रहा है जैसे बनता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके में, लेकिन हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए, तो हम पॉइंट्स रहने देते हैं, लाइन्स को इग्नोर कर देते हैं। अब फॉस्फोरस के लिए उन्होंने पहली लाइन हमें बना के दे दिया, कैन यू टेल मी के जब मेरे फास्फोरस के इतने एटम थे तो सल्फर कितना था, 0 था, अब फास्फोरस के रह गए इतने एटम तो सल्फर कितना होगा 2 वीक्स बाद। सिंपल सी बात है, जितना चेंज आया है फास्फोरस में उतना ही सल्फर में चेंज आएगा, फास्फोरस के एटम्स जितने डिक्रीज कर रहे हैं सल्फर के एटम उतने ही इंक्रीज करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ आसानी के लिए, ये क्या वैल्यू है 3.2, ये क्या है 1.6, ये क्या है 0.8, और आई थिंक यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी कि 0.4 होना चाहिए था, दिस शुड बी 0.4, ठीक है। अब 3.2 और 1.6 का डिफरेंस निकालो तो क्या आता है, 3.2 और 1.6 का डिफरेंस होता है 1.6, तो इसका मतलब सल्फर के एटम्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, 1.6 ही एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब 2 वीक्स बाद सल्फर की वैल्यू एग्जैक्टली यही होगी। तो एक हाफ लाइफ जब गुजरती है तो एट सैंपल के अंदर 50% फॉस्फोरस रह जाता है और 50% ही उसका प्रोडक्ट सल्फर जो है वो दोनों आधे आधे दोनों मौजूद होंगे, तो सैंपल एट दिस टाइम 2 वीक्स के बाद एग्जैक्टली आधा फॉस्फोरस का बना हुआ और आधा सल्फर का बना हुआ। बट अब सल्फर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आगे और फॉस्फोरस की कम होती जाएगी। अब 1.6 और 0.8 का डिफरेंस निकालो, दैट इज 0.8 अगेन, तो 1.6 से अगर 0.8 का डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो फॉस्फोरस के 0.8 एटम्स डिके कर रहे हैं,
मतलब सल्फर के ही 0.8 एटम्स इंक्रीज करेंगे यहां से, तो 1.6 में, 1.6 में मैंने 0.8 को प्लस किया, मेरे पास आंसर आता है 2.4. सो आफ्टर 4 वीक्स द वैल्यू ऑफ सल्फर एटम शुड बी 2.4 विच इज समवेयर हियर. ये वाला पॉइंट बनेगा. समझ आ रहा है? अब समझ में आ रहे स्टेप सारे? 6 वीक्स बाद क्या होगा? वेल, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0.8 से 0.4, मतलब 0.4 एटम्स डिके हो गए, तो इसके अंदर 0.4 ही यहां से इंक्रीज करना चाहिए. अब ये वैल्यू है 2.4, ये वैल्यू क्या है? 2.4. 2.4 में 0.4 का इंक्रीज आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2.8, जो कि यहां पे प्लॉट हो जाएगा. तो इतनी अगर आपने प्लॉटिंग कर ली है तो अब आप इस ग्राफ को इजीली स्केच कर सकते हो. ये आपका ग्राफ स्केच हो गया. मेक श्योर दैट इट पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स. सो कर्व ऐसा बनाओ कि सारे पॉइंट्स इसमें से गुजरे, एंड देयर यू गो, काइंड ऑफ इस तरह का जो है वो मेरे पास ग्राफ बन जाएगा. सो होपफुली ये क्लियर है. क्या समझ में आया? क्या सारी बात समझ में आई? अब पर्पल वाला जो पॉइंट्स थे उनका हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैंने फॉस्फोरस का बनाना होता ग्राफ तो इस तरह का बनता है. और ये दोनों ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो ऑपोजिट है. ठीक है, सो दैट्स बेसिकली द ग्राफ. इफ दे वुड हैव आस्क्ड फॉर द ग्राफ ऑफ फॉस्फोरस तो वो पर्पल वाला इस तरह का बनता, बट दे वर आस्किंग फॉर द ग्राफ ऑफ सल्फर तो हमने ग्रीन वाला बनाया. ठीक है, ये सल्फर का ग्राफ है, ये फॉस्फोरस का ग्राफ है. होपफुली ये क्लियर है. ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पार्ट बी भी. अब पार्ट सी करना कह रहे हैं, स्टेट टू प्रिकॉशंस टेकन व्हेन स्टोरिंग और मूविंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स. स्टोरिंग के बारे में सोच लो और मूविंग के बारे में सोच लो. रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आयनाइजिंग होते हैं एंड दे कैन कॉज हेल्थ डेंजर, सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू आर स्टोरिंग देम. यू शुड स्टोर देम इन स्टोर देम इन बॉक्सेस दैट आर मेड आउट ऑफ लेड, क्योंकि लेड जो है वो ऐसा मटेरियल है जो कि ना अल्फा ना ही बीटा और ना ही गैमा रेडिएशंस को मोस्टली पास करने देता है. ठीक है, हाँ, अगर आपको पता है कि आपका सैंपल अल्फा डिके करता है सिर्फ और सिर्फ, तो आप उसको नॉर्मल प्लास्टिक के बॉक्स में भी रख सकते हो. लेकिन अगर आपको पता है कि आपके सैंपल से बीटा डिके भी होता है तो फिर वो किसी थोड़े से थिक मेटल के बॉक्स में होना चाहिए, बट मेटल की थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होगी, कुछ एमएम की भी थिकनेस होगी तो चलेगा. बट अगर आपको पता है कि उसमें से गैमा डिके भी हो रहा है या आप अनश्योर हो, तो फिर डेफिनेटली उसको लेड के बहुत थिक बॉक्स में रखना चाहिए. सही है, जिसकी थिकनेस जो है हर साइड की कुछ सेंटीमीटर्स होनी चाहिए ताकि उसमें से गैमा रेडिएशन भी बाहर ना आ सके. ठीक है जी. अच्छा, अब मूविंग के बारे में सोचें. स्टॉपिंग तो हो गया, मूविंग के बारे में सोचो. सो व्हेन यू आर मूविंग देम देन व्हाट शुड यू डू? यू शुड कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम देम बाय हैंडलिंग देम विद टोंग्स. हैंडलिंग देम विद टोंग्स. टोंग्स यूज करते हैं तो आप उसको अपनी बॉडी से जितना पॉसिबल है दूर रख सकते हैं. हाथ से, बेयर हैंड से तो बिल्कुल नहीं पकड़ना. एक और पॉसिबल चीज यहाँ पे ये है कि आप लेड लाइंड ग्लव्स यूज करें. ऐसे ग्लव्स यूज करें जिसके अंदर लेड की लाइनिंग हो. ठीक है, बल्कि सूट भी पहन लें या एप्रन पहन लें, वो वाला जो लेड की जिसमें लाइनिंग हो. बहुत हैवी होगा, बट जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं, जब तक आप उसे मूव कर रहे हैं, तो आप वो पहन के रखेंगे ताकि आपकी बॉडी में रेडिएशन ना एंटर हो सके. ओके, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2020 अक्टूबर नवंबर. ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इट अकर्स इन द सन एंड अदर स्टार्स. कौन से स्टार्स में होती है? हमने स्पेस फिजिक्स में पढ़ा था कि स्टेबल स्टार्स में होती है न्यूक्लियर फ्यूजन. व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बात हम पढ़ चुके हैं. जल्दी जल्दी से इसको करेंगे, ये बहुत आसान है. सो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो कैसे होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन होती है व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कम कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस एंड एट द सेम टाइम रिलीज एनर्जी. कैन वी से स्मॉलर इंस्टेड ऑफ लाइटर? यस यू कैन, तुमको मसला नहीं है. ठीक
ठीक है, बट जनरली क्योंकि हम मास के बारे में कंसर्न होते हैं, मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज बेटर टू से लाइटर देन स्मॉलर। डिस्क्राइब द फ्यूजन दैट टेक्स प्लेस इन द सन स्पेसिफिकली। अब आप उसको डिस्क्राइब करें जो सन में फ्यूजन होती है, तो आप बताएंगे कि दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं, टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। एंड यू कैन ऑल्सो से एंड अ न्यूट्रॉन, एक साथ में न्यूट्रॉन भी अक्सर कभी कभार उसमें बन रहा होता है। अगर हाइड्रोजन टू और हाइड्रोजन थ्री आपस में कंबाइन करें तो हीलियम बनता है, साथ में एक एज अ प्रोडक्ट न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एट द सेम टाइम एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, ये बात भी लाजमी बता दो, एनर्जी इज रिलीज हमेशा लिख दिया करो फिजन या फ्यूजन दोनों के साथ। ठीक है, बट उनको हीलियम और हाइड्रोजन सुनना था बस, वो काफी। अ स्टार फॉर्म्स व्हेन द टेम्परेचर, स्टार फॉर्म्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लार्ज क्लाउड ऑफ गैस इंक्रीजेस एज इट कोलैप्सेस इनवर्ड। सो हमने ये स्पेस फिजिक्स में कर लिया, तो एक तरह से पूरी चीज रिपीट हो रही है रेडियो एक्टिविटी और स्पेस फिजिक्स के चैप्टर में। स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर्स दैट टेक प्लेस एज द क्लाउड कोलैप्सेस। क्लाउड कोलैप्स कर रहा है किस वजह से कर रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी में। इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी आप ना भी लिखो तो आपका गुजारा हो जाएगा इस आंसर के अंदर, बट इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो रही होती है? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ऐसा ही है, इसीलिए भी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। सो ये है मेन एनर्जी कन्वर्जन, मेन एनर्जी कन्वर्जन। अगर आप बात करें तो आप ये और ये लिख के खत्म फारिग हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्टार्ट्स अ फ्यूजन रिएक्शन। व्हाई द टेम्परेचर इवेंचुअली रीचेज अ स्टेडी वैल्यू? टेम्परेचर स्टेडी वैल्यू क्यों रीच कर जाता है और टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता क्यों नहीं रहता? अब आपने ये बताना है कि भाई फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, राइट? फ्यूजन जब स्टार्ट हो जाती है तो उसका स्टेडी वैल्यू से क्या रिलेशनशिप है? भाई जैसे जैसे आपके आपके जो आपका जो स्टार है वो कोलैप्स कर रहा है, और एक टेम्परेचर की लिमिट है जहां तक पहुंचने से पहले पहले फ्यूजन स्टार्ट नहीं हो सकती। लेट सपोज वो वैल्यू एट 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जब वो टेम्परेचर रीच हो जाएगा स्टार के कोर में, या आपका स्टार बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ से ग्रेविटी की वजह से कोर कोलैप्स कर रहा है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जो भी टेम्परेचर रीच होना है वो हो गया। वो जब टेम्परेचर यहाँ पे रीच हो जाएगा तो फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद एक आउटवर्ड प्रेशर भी जनरेट हो जाएगा। इस कोर से जब फ्यूजन स्टार्ट होगी तो एक आउटवर्ड प्रेशर भी जनरेट होगा, तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिस चीज में कन्वर्ट हो रही थी, अब वो एनर्जी सिर्फ थर्मल में बढ़ती नहीं जा रही, बल्कि वो थर्मल एनर्जी जो है इससे जो इसमें कन्वर्ट हो रही है, भी थर्मल एनर्जी शुरू में तो बढ़ती जाएगी, लेकिन इवेंचुअली थर्मल एनर्जी अब किसी और चीज के लिए यूज हो रही है। किस चीज की यूज हो रही है? फ्यूजन के लिए यूज हो रही है, तो इसलिए एक स्टेडी वैल्यू रीच हो जाएगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी अब बढ़ती नहीं रहेगी, बल्कि ये भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो फिर जाहिर सी बात है न्यूक्लियर फ्यूजन के फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है, फिर उससे फर्दर एनर्जी रिलीज होती है। बट द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब वो थर्मल एनर्जी फर्दर हमेशा के लिए बढ़ती नहीं रहेगी, राइट? तो हम बताएंगे थर्मल एनर्जी डज नॉट कीप इंक्रीजिंग एज इट इज यूज टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लियाई, राइट? रिपल्जन बिटवीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड स्टार्ट फ्यूजन रिएक्शन। सो वो थर्मल एनर्जी भी यूज अप हो जाएगी, तो इसलिए टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं करेगा। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन विच इज फ्रॉम 2019 अक्टूबर नवंबर। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और इस आई थिंक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें काफी सारा चैप्टर जो है वो कवर्ड है। ऑल आइसोटोप्स ऑफ गैस रेडॉन आर रेडियो एक्टिव।
रेडॉन गैस के बारे में बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि उसके सारे आइसोटोप्स ही रेडियो एक्टिव होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। सेम एलिमेंट के ही डिफरेंट मास नंबर वाले न्यूक्लियस को आइसोटोप्स कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस वक्त रेडॉन 222 की, जो कि एल्फा पार्टिकल एमिट करता है और वो बनाता है पोलोनियम। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि पोलोनियम का जो प्रोटॉन नंबर है, पोलोनियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो 84 है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर 84 है पोलोनियम का। कह रहे हैं डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ पोलोनियम आइसोटोप, सो कैन वी डू दैट? अब इसके लिए हमें थोड़ी इक्वेशन बना के वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि इक्वेशन समझने की आदत डालोगे तो ये हो जाएगा। तो अब देखो, इनिशियली आपके पास क्या है? रेडॉन गैस है। लेट सपोज हमें उसका सिंबल नहीं भी पता तो हम आर लिख लेते हैं। ठीक है, हम उसका सिंबल आर लिख लेते हैं। रेडॉन गैस का हमें ऊपर प्रोटॉन नंबर क्या बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ हमें। रेडॉन गैस का प्रोटॉन नंबर नहीं बताया हुआ, तो हम यहाँ पे जेड लिख लेते हैं। लेट सपोज हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें रेडॉन गैस का मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर बताया हुआ, और वो कितना है? 222। अच्छा, अब पोलोनियम की बात करें, साथ में क्या डिके हो रहा है? एल्फा डिके हो रहा है, तो एल्फा का नंबर है 24, 2 और 4। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ रही है कि उन्होंने हमें आपको हमें बताया हुआ है कि पोलोनियम का जो प्रोटॉन नंबर है वो है 84। हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि पोलोनियम का मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर क्या होगा। तो ये इक्वेशन अगेन, इसकी जनरल फॉर्म अगर तुम लोग याद रख लो एल्फा डिके की, कि भाई एक एक्स है न्यूक्लियस और वो डिके हो रहा है वाई में जब एल्फा पार्टिकल उसमें से एमिट हो रहा है, तो अगर यहाँ पे नंबर था जेड और यहाँ पे ए, तो जेड विल ऑलवेज डिक्रीज बाय 2 एंड ए विल ऑलवेज डिक्रीज बाय 4, क्योंकि ये जो 4 है ये इधर आ गया और ये वाला जो 2 है वो इधर आ गया। होता ये है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं, तो जब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑब्वियसली आपका जो प्रोटॉन नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल मिला के 4 निकले तो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो बाय 4 डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें बताना था ये वाला नंबर, सो डिड यू फिगर इट आउट येट कि पहले ये वाला नंबर क्या होगा, फिर हम उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे बाद में आएंगे, बट कैन वी फिगर दिस आउट फर्स्ट? इसका क्या आंसर होगा? दोनों मुझे बताओ। अगर ये 222 है, ये ए है और ये है ए -4, तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए? पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं सॉल्व, बताओ बाद में दोनों। व्हाट वुड दिस नंबर बी? कैन वी से दिस विल बी 222 -4, 218। अब ये क्या है? पोलोनियम का मास नंबर। इसका मतलब है कि हमें पोलोनियम का नंबर, अभी हमें न्यूट्रॉन नंबर नहीं पता लगा। दिस इज नॉट योर आंसर, ओके? यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस करते हैं। सो 218 -84 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 134 आ रहा है। ठीक है, सो दैट वुड बी आर आंसर। ज्यादा डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप इनको समझ के करना क्वेश्चंस का। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन रेडॉन 222 बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इसका भी पता लगा दो भाई, ये क्या होगा? तो हमें पता है कि अगर ये 84 है तो ये इससे 2 ज्यादा होना चाहिए, राइट? इफ दिस इज जेड एंड दिस इज जेड -2, तो यहाँ आके 2+ हो जाएगा। सो व्हाट वुड दिस नंबर बी? 84 में 2+ कर दो, 86 आ जाएगा, 86 प्रोटॉन्स। क्लियर? डिस्क्राइब हाउ अ न्यूट्रल एटम ऑफ हीलियम डिफर्स फ्रॉम एल्फा पार्टिकल। आप लोगों ने शायद ये बहुत दफा पढ़ा होगा, एल्फा पार्टिकल जो है वो एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। एल्फा पार्टिकल का इंट्रोडक्शन ही है, एल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस। ये है फर्क कि एल्फा पार्टिकल हीलियम ही है लेकिन हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियस में क्या फर्क होगा, यही बताना है। एल्फा पार्टिकल इज जस्ट अ न्यूक्लियस। व्हाट डज इट कंटेन? कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। पूरी बात लिख दो, जगह है आपके पास नीचे।
वेयर एज हीलियम की अगर बात करें, हीलियम का जो न्यूट्रल एटम है विल ऑल्सो कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स एडिशनली, जो के अल्फा पार्टिकल के पास नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियस है हीलियम का। हीलियम एटम जो कंप्लीट एटम है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे एडिशनली। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, अब ये है आगे क्वेश्चन दोबारा हाफ लाइफ से रिलेटेड। इन एन एक्सपेरिमेंट टू कलेक्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीलियम, अ सैंपल ऑफ रेडॉन, सैंपल किस चीज का है? 222, वही सैंपल जिसका हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, वही सैंपल यूज हो रहा है। इज इंक्लोज्ड इन एन इनर ग्लास ट्यूब। सो ये जो अंदर वाली ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर क्या है? इस ग्लास ट्यूब के अंदर रेडॉन 222, ठीक है, याद रखना। सैंपल इज इन द इनर ग्लास ट्यूब विच हैज अ वेरी थिन वॉल, वेरी वेरी थिन वॉल। अब वेरी थिन वॉल से क्या मतलब है? इतनी थिन वॉल के शायद उससे अल्फा पार्टिकल्स भी पास हो सकते हैं। रेडॉन गैस क्या है? एक अल्फा एमिटर है। रेडॉन गैस जो है यहाँ पे वो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रही होगी। अगर अल्फा पार्टिकल्स अगर यहाँ से एमिट होंगे तो इस वाली गैस इस ट्यूब से निकल के बाहर वाली ट्यूब में आ सकते हैं, राइट? तो यही बात यहाँ पे आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इनिशियली आउटर वाला जो पार्ट है ट्यूब का वो वैक्यूम है। बोथ द कंटेनर एंड द इनर ग्लास ट्यूब आर सील्ड एज द रेडॉन डिकेज अल्फा पार्टिकल पास थ्रू थिन वॉल, और वो आउटर पार्ट ऑफ द कंटेनर में आके स्टोर हो जाते हैं। अब ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स हैं, आसपास सराउंडिंग्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जो है वो मिला लेंगे और वो हीलियम के एटम्स बना लेंगे। सो बेसिकली व्हाट यू विल हैव इज देन हीलियम गैस इन दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब। ये वाला जो ट्यूब का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें आपके पास हीलियम गैस बन जाएगी, ठीक है? वो कह रहे हैं जी फिगर 10.2 में आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये याद रखो कि जब रेडॉन डिके कर रहा था तो साथ में बना रहा था पोलोनियम, लेकिन पोलोनियम जब एक एटम पोलोनियम का बनता है तो साथ साथ और क्या बन रहा था? साथ साथ एक में अल्फा पार्टिकल भी तो बन रहा है ना। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सल्फर का ग्राफ ये बनाया था, ये हमारा प्रोडक्ट था, लेकिन सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बन रहे थे। सल्फर के, ये अगर सल्फर है मेरा तो सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बन रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मुझसे ग्राफ पूछा जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी ग्राफ यही होता, बिकॉज एक सल्फर के साथ 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 एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर इक्वेशन देखो डिके की, तो भाई जब रेडॉन गैस डिके हो रही है तो एक पोलोनियम एटम डिके हो रहा है, साथ साथ एक अल्फा पार्टिकल भी बन रहा है। उन्होंने इस बार आपको ये नहीं बोला कि पोलोनियम का ग्राफ है, बल्कि ग्राफ है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का। बट अगर मैं बोलूँ कि यार नंबर ऑफ पोलोनियम एटम्स का ग्राफ क्या होगा, तो वो भी आइडेंटिकल यही होगा, ठीक है? एनीवेज, तो ये हमारे प्रोडक्ट का ग्राफ बना हुआ है दोबारा से, और यू कैन सी कि ये इंक्रीजिंग है। शुरू में बिल्कुल अल्फा पार्टिकल्स नहीं था, ऐसा ऐसा वो बढ़ते चले गए, और टाइम जो है वो डेज में, इस बात का ख्याल रखना। यूज फिगर 10.2 टू डिटरमिन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन 7.6 डेज, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन 7.6 डेज, प्रोड्यूस्ड इन 7.6 डेज। सीधा ये तो हम ग्राफ से देख के जो है वो बता सकते हैं, ये तो आसान सी बात है। 7.6 डेज कहाँ पे? दिस इज 7, 7.2, 7.4, 7.6। सो यू टेक योर ग्राफ ओवर हियर एंड देन यू रीड दिस वैल्यू फ्रॉम द वाई एक्सिस। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? ये हो गई 2.1। द स्क्रीन डिसअपीयर्ड फॉर अ मिनट, लेट मी जस्ट रीशेयर इट। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही थी? जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया ये 2.1 आंसर आया है, यहाँ तक मेरी आवाज़ तो गायब नहीं हुई थी, सब समझ में आया था कुछ आवाज़ सही आ वहाँ। रही थी आवाज सर। ओके, सो ये समझ में आ गया कि हमारे अल्फा पार्टिकल्स के नंबर हमने किस तरह निकाला आफ्टर 7.6 डेज। सिंपल, जैसे आप मैथ्स के अंदर करते हो कि ग्राफ के एक्स एक्सिस से देख के वाई एक्सिस की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाइस वर्सा, वही किया हमने यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे पार्ट पार्ट टू पहले रीड कर लेते हैं। इनिशियली देर आर
इनिशियली इतने एटम्स हैं रेडॉन 222 पे इन द इनर ग्लास ट्यूब, ठीक है। इनिशियली रेडॉन 222 के इतने एटम्स थे। एज ईच रेडॉन एटम डिकेस, ईच रेडॉन एटम जब डिके करता है तो एक ही अल्फा पार्टिकल बनता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। इसका एक डिके करता है तो एक ये बनता है, मतलब जब इसमें से वन माइनस होगा तो इसमें प्लस वन हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। मतलब इसका ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो रेडॉन का ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। सिंपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडॉन 222 एटम्स आफ्टर 7.6 डेज। तो ये वही बात हो गई ना कि अभी जो मैंने बात की कि जब जितने अल्फा पार्टिकल्स बनेंगे उतने ही रेडॉन के पार्टिकल्स माइनस होंगे, तो अल्फा पार्टिकल्स इतने बने थे 7.6 डेज के बाद। तो इसमें से यही चीज अगर आप माइनस कर दो, इसमें से ये आप माइनस कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ रेडॉन एटम्स जो लेफ्ट है वो आ जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज 2.8 × 10^10 माइनस 2.1 × 10^10। तो दोनों को माइनस किया तो आई गेस ये कितना आता है, 2.8 और 2.1 को माइनस करो तो 0.7 × 10^10 आता है। नाउ दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का बेहतर तरीका क्या होता है कि आपका जो डेसिमल प्लेस है वो फिर आपका पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो अगर मैं डेसिमल को आगे लेके जाता हूँ, बच्चों डेसिमल को आगे लेके जाता हूँ और इसको लिखता हूँ 7.0, इसको 7 लिखता हूँ, तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगी? 10 की पावर बढ़ेगी या कम होगी? डेसिमल जब आगे लेके जाते हैं तो 10 की पावर कम होती है आई गेस, एम आई राइट? ये हो गए हमारे रिमेनिंग एटम्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी यूजिंग द नंबर ऑफ रेडॉन एटम्स प्रेजेंट इनिशियली एंड द नंबर प्रेजेंट आफ्टर 7.6 डेज कैलकुलेट द हाफ लाइफ। तो आपको इनिशियल नंबर पता है और फाइनल नंबर पता है रेडॉन एटम्स का, इनिशियली इतने थे फाइनली इतने थे, इन दोनों को कंपेयर करके क्या आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं रेडॉन एटम्स की? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ हाफ लाइफ के लिए। वो हाफ फॉर्मूला कुछ इस तरह लगता है देखने में। सो व्हाट यू डू फर्स्ट इज यू राइट डाउन दिस फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर n। इस तरह ये फॉर्मूला लिखता हूँ। अब इसमें एन जो है, ये कैपिटल एन जो है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स। ये वाले हैं इनिशियल, ये वाले हैं फाइनल। तो इनिशियल जो थी वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये जो एन होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, ठीक है। तो हम पहले बताएंगे कि अगर इनिशियल एटम्स जो है वो इतने थे 2.8 और फाइनल एटम्स इतने थे 0.7, तो पहले उनको हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो वे ये वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, कैसे? यहाँ पे आ जाएगा 7.0 × 10^9, यहाँ पे आ जाएगा व्हाट डू यू कॉल इट 2.8 × 10^10, और ये आ जाएगा इंटू 1/2 × 10^10, सॉरी 1/2 की पावर n। इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखो तो ये सबसे आसानी से ऐसे रीअरेंज होता है, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2.8 × 10^10 अपॉन 7 × 10^9। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करो, एक फ्रैक्शन आएगी बड़ी आसान सी, या कोई एक नंबर आएगा, सिंपल सिंपल सा होल नंबर आएगा, दैट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। सो राइट साइड को सिंप्लीफाई करो, जरा मुझे बताओ कि राइट साइड पे क्या आ रहा है। कैन यू हेल्प मी विद दैट? द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन गिव्स यू व्हाट? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 की पावर में कोई नंबर आएगा, चेक करो जरा, कम ऑन। व्हाट आर यू गेटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन? बताओ बच्चों, मेरे पास आ रहा है 4 4 आ रहा है। नाउ कैन यू हेल्प मी विद दिस पावर एन? इसकी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, ये तो आप मुझे बता सकते हो। 2 की क्या पावर होगी तो आंसर 4 आएगा। 2 की पावर अगर आप पढ़ना शुरू करो तो आपको पता है 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, सो ऑन सो फोर्थ। बट द थिंग इज कि हमें पता चल गया कि हमारा जो एन है वो 2 है। अब अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। टोटल टाइम कितना था? 7.6 डेज। इन 7.6 डेज देर आर 2 हाफ लाइव्स। 7.6 डेज
दो हाफ लाइफ के बराबर है। तो एक हाफ लाइफ कितने दिनों की होगी? इज दैट अ क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली आंसर? अगर 7.6 जो है डेज वो दो हाफ लाइफ के बराबर है, तो एक हाफ लाइफ कितने दिनों की होगी? इसका आधा हो जाएगा ना। बट यू फॉर दैट एज वेल आई मीन यू कैन डू दिस मेंटली और यू कैन राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस एज वेल। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी ये बताया, एक फॉर्मूला आप ये समझ लोगे और इसको यूज करना सीखोगे, जो जिसमें आपने एन की पावर निकाली, या आपको एन की पावर पता तो कोई और चीज निकाल लोगे। तीन अननोन चीजें हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ वो ये है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम जो कि यहाँ पे 7.6 है डिवाइडेड बाय एन। अब देखो एन की टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 7.6 days, और आपके पास एन की वैल्यू क्या आई थी? 2। तो आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई सिंपली 7.6 डिवाइड बाय 2, कितना होता है भाई? 3.8। आपको पता लग गया कि आपकी जो हाफ लाइफ है वो 3.8 days है। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क, क्या ये आपको कैलकुलेशन सारी समझ में आई, या किसी स्टेप में भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बिकॉज मुझे नहीं पता हम दोबारा कितनी दफ़ा रेडियो एक्टिविटी को अलग से फोकस करके डिस्कस कर सकेंगे। तो प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस न्यूमेरिकल एट ऑल। मैं भी यहाँ पर रुक गया हूँ, जब तक आप मुझे कन्फर्म नहीं करोगे मैं आगे नहीं जा रहा। पहले मुझे यहाँ बताओ कि ये समझ में आया है, ये कोई भी स्टेप छोटा सा भी कन्फ्यूजिंग है या नहीं। दो फार्मूलाज हमने एसेंशियली यहाँ पे यूज किए, बताओ बच्चों कोई पूछने वाली बात है या नहीं? सब ओके? फातिमा मुबीन, इज दैट क्लियर टू यू? सर, ये जो एन है ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ का सिंपली मतलब है कि कितनी हाफ लाइफ्स। अगर एक हाफ लाइफ है 7 पॉइंट, एक हाफ लाइफ है 3.8 डेज की, तो दो हाफ लाइफ है 7.6 डेज की, तीन हाफ लाइफ। चलो एक आसान नंबर ले लेते हैं, मैं कहता हूँ एक चीज है उसकी हाफ लाइफ है 3 घंटों की, तो दो हाफ लाइफ हो जाएंगी 6 घंटों की, 9 घंटों की तीन हाफ लाइफ हो जाएंगी, 12 घंटों की चार हाफ लाइफ हो जाएंगी। सो जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। यस ठीक है, और कोई चीज, और कुछ पूछना है? नहीं सर। पक्का समझ में आ गया? चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहे जी अल्फा पार्टिकल्स बिकम हीलियम एटम्स क्योंकि वो आसपास से इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मिला लेंगे और एटम्स बन जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स व्हाई द वॉल मस्ट बी थिन। वो कह रहे हैं कि ये वाली जो वॉल है ये बहुत थिन होनी चाहिए। व्हाई? अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बन रहे थे बिकॉज रेडॉन गैस इधर डिके करेगी, अल्फा पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर ही एमिट होंगे। तो ये अल्फा पार्ट, ये जो वॉल है ये थिन क्यों होनी चाहिए? व्हाई शुड दिस वॉल बी थिन? बिकॉज हमने ये पढ़ा हुआ होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। दे कैन नॉट इवन पास थ्रू अ पीस ऑफ पेपर। अल्फा पार्टिकल्स दे आर इवन एब्जॉर्ब बाय अ पीस ऑफ पेपर। सो इफ यू वॉन्ट द एल्फा पार्टिकल्स जो कि यहाँ बने हैं उनको चाहती हो कि वो बाहर निकले और बाहर वाली ट्यूब में कलेक्ट हों, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि वॉल बहुत ही थिन हो ताकि एल्फा पार्टिकल इसमें से गुजर सके। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग अ वेरी थिन वॉल। बताएंगे भाई? एल्फा पार्टिकल्स हैव वेरी लो पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से पास थ्रू कर जाना, सो दे कांट रियली पास थ्रू स्टफ अनलेस इट्स वेरी थिन। ओके जी, सो हम बेसिकली हम ये भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अलाउ, इस तरह इसको बल्कि ज्यादा बेहतर वर्ड्स में होगा ये लिख दो, इन ऑर्डर फॉर द अल्फा पार्टिकल्स टू अलाउ टू पास थ्रू द थिन वॉल। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रेडॉन 222, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रेडॉन 222 अक्यूमुलेट्स इन एयर बिल्डिंग्स एंड ब्रीथ इन बाय पीपल। व्हाई अल्फा एमिटर इन लंग्स इज पर्टिकुलरली हैजर्डस? व्हाई? सो कह रहे हैं कुछ ऐसी दुनिया में जगहें हैं जहाँ पे अल्फा पार्ट टू रेडॉन गैस बहुत ज्यादा है, और रेडॉन गैस के हमें पता है एटम्स में से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। तो आप अल्फा पार्टिकल्स को नहीं ब्रीथ कर रहे, आप एक्चुअली रेडॉन गैस को ब्रीथ कर रहे हो, और जब वो रेडॉन गैस को आप ब्रीथ कर रहे हो तो उस गैस, वो गैस अब आपके लंग्स में है, और वो गैस क्या एमिट कर रही है? अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रही है। आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, तो उससे आपको क्या नुकसान है?
अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आयनाइजिंग होते हैं और उस वो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ सकते। इसका मतलब आपकी बॉडी में ही एब्जॉर्ब होंगे और वो आयनाइजेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज कर सकते हैं, रेडिएशन सिकनेस कॉज कर सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो पहले तो हमें बताने कि अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। सो दे कैन बी एब्जॉर्ब इन द लंग्स कॉजिंग सिकनेसेस लाइक कैंसर, डीएनए म्यूटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो जो डेंजर्स हैं रेडिएशन की वो आपने लिख दी है, बट पर्टिकुलरली अल्फा पार्टिकल जो है, देखो अगर आपकी बॉडी के बाहर कोई ऐसा सैंपल पड़ा है ना जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, तो वो आपके लिए इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है क्योंकि वो आपकी स्किन को पेनेट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते अल्फा पार्टिकल्स। बट अगर जो चीज अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रही है वही चीज आप ब्रीद इन कर लो, तो वो आपके लंग्स के अंदर बैठी हुई गैस और उसी गैस में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर अल्फा पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो ऑब्वियसली आपको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, 2019 का ही है, और कह रहे हैं शोज अ कंपोजिशन ऑफ फोर न्यूट्रल एटम्स, वन एटम दैट हैज बीन आयनाइज्ड। चार एटम न्यूट्रल है, पांच दिखाए हैं टोटल, इनमें से सारे जो है वो न्यूट्रल है सिवाय एक के, एक आयनाइज हुआ हुआ है। कह रहे हैं वन ऑफ द एटम्स इज अ रेडियो एक्टिव दैट डिकेज टू प्रोड्यूस वन ऑफ द अदर एटम्स। तो इनमें से एक ऐसा एटम भी है जो कि डिके करता है और इन्हीं में से कोई दूसरा एटम बनाता भी है, मतलब उसका प्रोडक्ट है। एक इसमें से पेरेंट न्यूक्लियाई और दूसरा उसका डॉटर न्यूक्लियाई भी है, और एक जो इनमें से आयनाइज भी होगा। कि पहले तो कह रहे हैं कि डिड्यूस विच एटम्स डिकेज इन दिस वे। पहले तो हमें यह पता करना है पार्ट सी के अंदर, वो आयनाइज वाला तो पिछला पार्ट था वो मैंने निकाल दिया, वो न्यूक्लियर जो द न्यूक्लियर एटम वाला चैप्टर था उसके अंदर मैंने डाला था, बट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कौन सा वाला आयनाइज हुआ हुआ है। आयनाइज जो हुआ होता है वो कौन सा होता है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते। किसके नहीं बराबर? यू कैन सी कि क्यू के बराबर नहीं है, और क्यू के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है एक प्रोटॉन ज्यादा, तो यू कैन सी कि क्यू जो है वो एक उस पर +1 ई का चार्ज होगा, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1। एंड वाई इज दैट द केस? बिकॉज उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है और एक प्रोटॉन ज्यादा है। अब कह रहे हैं कि कौन सा एटम है जो डिके करके दूसरा एटम बनाता है। सो अब डिके कितने टाइप का हो सकते हैं? अल्फा डिके हो सकता है, बीटा डिके हो सकता है, गामा डिके हो सकता है। अल्फा डिके में आपको पता है कौन से चेंजेस होते हैं, बीटा डिके में आपको पता है कि क्या चेंजेस आते हैं न्यूक्लियस में, और गामा डिके में कोई चेंजेस नहीं आते एज सच, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कोई चेंजेस नहीं आते। तो अब आपने हर एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हैं, और पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या अल्फा डिके कहीं पे हो रहा है। अब अल्फा डिके जहां पे होता है वहां पे प्रोटॉन नंबर डिक्रीज कर जाता है बाय टू, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बाय टू ही डिके करते हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज एंड से कि न्यूट्रॉन नंबर भी बाय फोर डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियॉन नंबर बाय फोर डिक्रीज होता है, तो प्रोटॉन भी दो कम होते हैं और न्यूट्रॉन भी दो कम हो रहे होते हैं। अब कोई आपको ऐसे दो इनमें से एटम्स नजर आ रहे हैं जिनके प्रोटॉन नंबर में दो का डिफरेंस हो? एक मुझे जैसा नजर आ रहा है कि इसमें 19 प्रोटॉन्स और इसमें 17 प्रोटॉन्स हैं, तो इज इट पॉसिबल कि क्यू जो है वो डिके करके पी बना रहा है अल्फा डिके से? तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चेक करने पड़ेंगे। इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स है और इसके अंदर भी 20 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इस ऐसा तो नहीं होता अल्फा डिके में। हाँ, अगर ये भी बाय टू डिक्रीज हो रहा होता और ये 18 हो रहा होता तो मैं कह सकता था कि क्यू जो है वो अल्फा डिके होने के बाद पी बना रहा है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। सो ये वाली पॉसिबिलिटी तो निकल गई। अच्छा, अब मैं ये देख सकता हूँ कि एक और जो हमारे पास सिनेरियो बन रहा है जिसमें दो का डिफरेंस है वो ये वाला है, टी और आर के अंदर भी प्रोटॉन नंबर का टू का डिफरेंस है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टी जो है वो अल्फा डिके करके आर बना ले? वेल, प्रोटॉन नंबर में तो टू का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्या न्यूट्रॉन नंबर में भी टू कम आ रहा है? 21 से क्या 19 हो रहा है?
नहीं हो रहा, ये तो बल्कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो अल्फा डिके तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं, अल्फा डिके तो हो ही नहीं रहा। नाउ ओनली पॉसिबिलिटी इज कि यहाँ पे बीटा डिके हो रहा हो। सो हमने देख लिया अल्फा डिके नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा अल्फा डिके, हमने यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी को कैंसिल आउट कर दिया। अब हम बात करते हैं बीटा डिके की, तो अब वही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गैमा डिके में तो कोई चेंजेस आते नहीं है। तो बीटा डिके जो होता है उसके अंदर याद रखो कि प्रोटॉन नंबर जो है वो +1 हो जाता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एक कम हो जाते हैं। अगेन यू विल बी थिंकिंग सर आपने इक्वेशन में तो ये बताया था कि प्रोटॉन नंबर +1 होता है और नंबर जो ऊपर वाला नंबर होता है वो सेम रहता है। बेटा वो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सो मैंने जनरल इक्वेशन आपको ये बताई थी, एक्स बना रहा है वाई, एक्स क्या बना रहा है वाई बना रहा है और साथ में बीटा डीके हो रहा है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जेड और यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे होगा जेड +1 और यहाँ पे ए एज इट इज होगा। नाउ यस इट इज गुड टू रिमेम्बर द इक्वेशन बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर वॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन साइड द न्यूक्लियस। तो हमने ये पढ़ा था कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ तो नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स तो चेंज नहीं होंगे ना, नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स तो जितने थे उतने ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियॉन्स होते हैं। लेकिन क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो बना है तो प्रोटॉन नंबर तो एक बढ़ जाएगा, और बना किस चीज से, न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक फॉर इन द टेबल। नाउ मैंने आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो अब हमें तीनों पार्ट्स का एक साथ ही आंसर पता चलेगा। बट कैन यू आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एटम्स पी क्यू आर एस टी में से जिसमें ये काम हो रहा हो कि एक का प्रोटॉन नंबर जो है बाय 1 इंक्रीज हो रहा हो और न्यूट्रॉन नंबर बाय 1 डिक्रीज हो रहा हो। अब आइडेंटिफाई करो खुद पी क्यू आर एस टी में से दो। शाबाश, आसान सवाल नहीं था ये सवाल, मैं 2-3 बार टेस्ट में भी डाल चुका हूँ स्कूल में और ये बहुत गलत आंसर मुझे इसमें मिल चुके हैं। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई बट अब कॉन्सेप्ट होपफुली समझ में आ गया, तो मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ पी क्यू आर एस टी में से कौन सा वाला है जो है वो डिके कर रहा है और कौन सा वाला उसमें से बन रहा है और किस टाइप का डिके हो रहा है, वो तो हमने पहले ही बता दिया। तो ये तो हम पहले आइडेंटिफाई करके किस टाइप का डिके है, टाइप ऑफ डिके तो हमने बता दिया कि बीटा डिके है, बट वो जो पेयर है वो क्या है। फातिमा खान कैन यू आइडेंटिफाई एज वेल, फातिमा मुबीन ने तो बताया, मैं चेक करता हूँ सही बता रही है या नहीं। सो प्रोटॉन नंबर ओरिजिनल न्यूक्लियस का एक कम होना चाहिए, जो बन रहा है उसका ज्यादा होना चाहिए, और न्यूट्रॉन नंबर जो है वो एक कम होना चाहिए। वेरी गुड, सो जो डिके कर रहा है वो है आर। वेरी गुड, इसमें +1 का चेंज आ रहा है, ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी, और ये जो है ये -1 हो रहा है, ये चीज़ पे आइडेंटिफाई हो गई। तो इसका मतलब हम समझ गए कि हमारा जो डिके हो रहा है वो आर से एस में हो रहा है, बीटा डिके। वेरी गुड, सो ये हमारा आंसर हो गया, प्रोडक्ट हमारा एस है। ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था और इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके ढूंढना पड़ेगा। ओके, अनदर हाफ लाइफ क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव डिके इज 33 ईयर्स। A sample contains a large number of atoms that decay in this way. Determine the fraction of the atoms that will decay in 99 years. सबसे पहले तो आप n निकालोगे, number of half lives निकालोगे। Number of half lives बता सकते हो मुझे कितने होंगे? उसका formula मैंने आप लोगों को बताया था, total time अपॉन हाफ लाइफ। वहां पे मैंने फॉर्मूला रीअरेंज करके लिखा हुआ था, पहले जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो इसको यहाँ लिखा था, इसको यहाँ लिखा हुआ था, अब मैंने रीअरेंज कर लिया बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ फर्स्ट। ठीक है, सो हाउ मेनी हाफ लाइफ आर देयर, टोटल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम जो है वो है 99 ईयर्स और हाफ लाइफ की वैल्यू है 33, तो एन की वैल्यू क्या आई, 3 हाफ लाइफ। देर आर 3 हाफ लाइफ दैट हैव पास्ड इन 99 ईयर्स, ऐसा ही है। अब वो कह रहे हैं कि फ्रैक्शन रिमेनिंग नहीं निकालनी है आपने, बल्कि फ्रैक्शन डिकेड निकालनी है। अगर आपने निकालनी हो रिमेनिंग फ्रैक्शन, अगर आपने निकालनी हो रिमेनिंग फ्रैक्शन, तो आप सिंपली 1/2 की पावर n करो, आपके पास आ जाएगा। अगर आपने निकालनी है डिकेड की फ्रैक्शन कि कितने डिके हुए हैं, तो आप 1 - 1/2 की पावर n कर लो, ये बात आप याद रखें। तो अगर मैं करता हूँ 1/2 की पावर 3, तो मेरे पास आता है कि रिमेनिंग जो न्यूक्लियर रह गए वो 1/8 रह गए,
1/8 का मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप ये कह सकते हो कि 1/8 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है वो रफली होता है जी 12.5%। मतलब कि 99 ईयर्स के बाद, 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद, जो मेरा ओरिजिनल सैंपल है उसका 1/8 बच जाएगा, बाकी 7/8 जो है वो डिके हो चुका होगा। अब वही वर्किंग जो मैंने ऊपर की है उसके अंदर सिर्फ फर्क ये है कि अगर डिकेड फ्रैक्शन निकाली, मैंने यहाँ पे डिके वाली ही निकाली है, विल डिके, तो 1 - 1/2 की पावर 3, मतलब 1 - 1/8 आंसर आएगा, कैलकुलेटर में डालोगे 7/8। 7/8 इज द फ्रैक्शन दैट डिकेज। अवॉइड गिविंग आंसर एज अ फ्रैक्शन इन एनी फिजिक्स पेपर, चाहे आप ओ लेवल में हो चाहे ए लेवल में हो, हमेशा कोशिश करो कि आंसर को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके दो। 7.8 डिके कर रहा है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि 12.5% जो है वो रिमेनिंग है, और ऑब्वियसली 100 - 12.5 या 7.8, 7/8 जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होता है, 87.5, 87.5% डिके हो चुका है। ऑब्वियसली डेसिमल में ये कितना हो जाएगा, 0.875। तो मैंने डेसिमल फॉर्म में अपना आंसर लिखा, ठीक है। प्रॉबली वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अपनी आदत डालो कि डेसिमल की फॉर्म में आंसर दिया करो फिजिक्स में, नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। अब अगेन, क्योंकि ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन है और हाफ लाइफ के क्वेश्चन थोड़े से कभी कभार ट्रिकी हो जाते हैं, तो मैं इसलिए पूछना चाहूंगा कि भाई ये समझ में आया है कंफर्म या नहीं, या कोई भी स्टेप अगर हल्का फुल्का भी लग रहा है गड़बड़ तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूं। ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी अंडरस्टूड, क्लियर होना चाहिए आपको। सो बताओ, तो ये सेकंड वाला करते हैं एक्सप्लेन एक दफा। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गया ना। जी ओके फातिमा खान, आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आया या फर्स्ट स्टेप भी समझ में नहीं आया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो मैंने निकाली। सेकंड स्टेप, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। पहले तो हम जरा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जरा जल्दी से क्लियर कर लें। एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ना हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, बट उसको हमें पढ़ाया उस तरह नहीं जाता कि हमें क्लियर होता है। एक पिज्जा है, अब शायद आपने बचपन में इसको इसी तरह पढ़ा हो, तो आई जस्ट गो विद दैट मैथड। एक पिज्जा है और उसके अंदर, क्योंकि अभी हमारी 1/8 वाली फ्रैक्शन है, तो मैं 8 पीसेस वाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस पिज्जा में कितने स्लाइसेस हैं, इस पिज्जा में कितने स्लाइसेस हैं, गिन के बताओ। जी बेटा, आठ 8 पीसेस हैं। अगर आप इसमें से एक पीस खा लो, तो अब आपने कितने पीसेस खा लिए, एक पीस खा लिया मतलब कि एक पीस डिके हो गया, रिमेनिंग कितना बचा पिज्जा, हाउ मच इज रिमेनिंग, हाउ मेनी स्लाइसेस आर रिमेनिंग, 7 पीसेस आर लेफ्ट। कैन आई से 7/8 ऑफ द पिज्जा इज रिमेनिंग, या मैं कह सकता हूं कि अगर अज्यूम कर लो सारे स्लाइसेस बराबर मास के हैं, तो कैन आई से 7/8 ऑफ द मास ऑफ द पिज्जा इज रिमेनिंग एंड 1/8 ऑफ द मास ऑफ द पिज्जा इज गॉन। क्या ये बात समझ में आती है, ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है, राइट? और कैन आई से, इन अदर वर्ड्स, कैन आई से कि 87.5% यू हैव ईटन, और सॉरी 87.5% पिज्जा अभी बाकी है, राइट? या इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.875 पिज्जा अभी बाकी है, और 12.5% पिज्जा जो है, 0.125 डेसिमल में ये पिज्जा अभी बाकी है। क्या इतनी बात समझ में आती है, बेसिक आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शंस। फातिमा मुबीन बेटा, ये वाली बात क्लियर है या नहीं, डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? जी सर। ओके अब अगर मैं कहूं कि आपने, अब जरा चीज को फ्लिप कर देते हैं, मैं कहता हूं आपने एक और पीस खा लिया, एक और पीस खा लिया, एक और पीस खा लिया, अब जरा मुझे जल्दी से फ्रैक्शन बताओ कि हाउ मच ऑफ द पिज्जा इज गॉन एंड हाउ मच ऑफ द पिज्जा इज रिमेनिंग, इन टर्म्स ऑफ फोर फ्रैक्शन पॉइंट बताना। वन फोर फोर पॉइंट पीस इज लेफ्ट गॉन, सो कैन आई से 4/8 इज गॉन, यस 4/8 को सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, 1/2 1/2 इज गॉन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना हुआ, 50%। 50% इज गॉन, 50% इज रिमेनिंग, एंड नाउ लेट्स जस्ट कीप गोइंग एंड से कि आपने इतना जो है वो पिज्जा खा लिया।
सो हाउ मच ऑफ द पिज्जा इज नाउ रिमेनिंग एंड हाउ मच इज गॉन? 10% रिमेनिंग. 10 नहीं, 10% नहीं, 8 पीसेस थे, 8 पीसेस थे. तो कैन आई से कि 1/8 इज रिमेनिंग, 1 out of 8 पीसेस इज रिमेनिंग एंड 7/8 हैज गॉन. 7/8. अब ये समझो कि ये आपका सैंपल है और सैंपल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स. यही है ना, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स. तो अब इमेजिन कर लो कि ये मेरा जो पिज्जा है उसके अंदर 8 स्लाइसेस हैं, लेकिन हर स्लाइस बहुत सारे एटम्स से बना हुआ है. वुड यू एग्री? मतलब एक स्लाइस के अंदर ही कितने सारे एटम्स होंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक जितने भी एटम हैं ये क्या कर चुके हैं, डिके कर चुके हैं. और ये वाले जो एटम हैं ये अभी बाकी हैं. डिके करने का मतलब ये नहीं कि गायब हो गए, डिके करने का मतलब ये कि किसी और चीज में कन्वर्ट हो गए. जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा कि फॉस्फोरस सल्फर में कन्वर्ट हो रहा था, एक और हमने देखा था कि रेडॉन जो है वो पोलोनियम में कन्वर्ट हो गई थी. सो वो हो गया. तो जो रेड वाले हैं वो कन्वर्ट हो गए किसी और चीज में, ओरिजिनल जो उनका जो था वो नहीं रहा. वो क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर सो फार? अब इसको हम क्वेश्चन के ऊपर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे. यहां तक बात समझ में आई है या नहीं, पहले ये बताओ. जी बच्चों, फ्रैक्शंस वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना. नाउ दे आर सेइंग अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर इन द सैंपल एंड ऑब्वियसली 99 ईयर्स गुजर चुके हैं, मतलब 3 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं, 3 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं. ये हमने 99/3 करके निकाला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल ली. अब अगर आपने बताना हो ना कि आपके सैंपल का कितना पार्ट डिके कर चुका है और कितना पार्ट रिमेनिंग है, तो आप या तो रिमेनिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हो या फिर डिकेड फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हो. अगर आपको रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, अगर आपको डिकेड फ्रैक्शन निकालनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो. ठीक है, मे बी आपने कहीं और से जब ये पढ़ा हो तो कोई फॉर्मूला बुक्स वगैरह में प्रॉबेबली नहीं लिखा हुआ, बट फॉर्मूला मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ बिकॉज इट मेक्स इट इजियर टू कैलकुलेट. ठीक है, आई विल गिव यू अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल, जिसके अंदर आपको समझने में आसानी होगी. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू क्या डालूंगा, 3 डालूंगा. मतलब कि जो एटम का और जो सैंपल था उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो कितनी बाकी है, तो मेरे पास आया 1/8, मतलब कि 12.5% ऑफ द सैंपल इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, द रेस्ट इज गॉन. ठीक है, जो कि हमारे पिज्जा के साथ भी हुआ था. तो ये ओरिजिनल फॉर्म में रिमेनिंग है, बाकी का जो सारा एटम है दैट हैज बेसिकली, बाकी के जो सारे एटम्स हैं वो डिके कर चुके हैं. ओके, नाउ अगर आपको डिकेड फ्रैक्शन निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो. और ये बड़ी सिंपल सी बात है, देखो किसी भी चीज का टोटल परसेंटेज क्या होती है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज क्या होती है, 100% होती है ना. तो अगर मैं कहता हूँ कि किसी चीज की 90% जा चुकी है तो रिमेनिंग परसेंटेज क्या होती है, 100 में से माइनस करके आती है ना, 10%. अगर मैं कहता हूँ कि यार एक सूट है उस पर 20% डिस्काउंट है, तो मैं यही कहूंगा ना कि मुझे 80% प्राइस पे मिल रहा है वो. इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि एक चीज जो है वो 80% डिके हो गई तो 20% रिमेनिंग है, यही बात है. तो इसी तरह अगर आप डेसिमल में बात करते हो तो टोटल जो डेसिमल में मैक्सिमम नंबर होता है वो 1 होता है. 100% का मतलब होता है 1, होल. 1 मीन्स होल. एंड इफ फॉर सम रीजन कोई चीज डिके कर रही है या कोई चीज चेंज हो रही है या कोई चीज खत्म हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 1/8 जो है वो बाकी है, इसका मतलब उसको 1 में से माइनस किया तो 7/8 जो है वो रिमेनिंग है. अगर रिमेनिंग वाला 7/8 है तो डिके वाला 1/8 आ जाएगा. ये आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हो, इसके डिफरेंट तरीके हैं करने करने के, लेकिन फ्रैक्शन का पूरा जो टोटल वैल्यू वो 1 है, इसको समझना लाजमी है, टोटल वैल्यू 1 है. यही फॉर्मूला मैं बेसिकली यहाँ पर कैसे लेकर आया, पहले तो ये समझो ना कि फ्रैक्शन रिमेनिंग हम निकाल कैसे रहे. हाफ लाइफ की जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ थी वो यहाँ डाली, एन की जगह पे 3 डाल दी. मैंने बोला यार 1/8 मेरा सैंपल बचा है, इसका मतलब 12.5% बचा है, मतलब बाकी का 87.5% डिके हो चुका है. अब मुझे इसको मैं 1 में से माइनस करके यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लिया, 1 - 1/2 की पावर एन. इसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 डाला, ये आ जाएगा 1/8. 1/8 1 में से जब माइनस होगा, 1 - 1/8 होगा, तो ऑटोमेटिकली 7/8 आ जाएगा.
मतलब पिज्जा के 7 पीसेस अगर डिके हो चुके हैं या खा लिए गए हैं, तो जो रिमेनिंग पिज्जा है वो सिर्फ और सिर्फ 1/8 है। हमें यहाँ पर डिके बताना था कि डिके फ्रैक्शन कौन सी, तो हमने ये वाला ही काम करना था, सिर्फ सिर्फ इतना वाला हमारा स्टेप था। ये जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा था, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि अगर रिमेनिंग फ्रैक्शन मांगेंगे तो आपने क्या करना है। अगर रिमेनिंग फ्रैक्शन मांगेंगे तो आप सिर्फ ये वाला स्टेप करते, और अभी आपसे डिकेड फ्रैक्शन मांगा तो ये वाला स्टेप आप करेंगे, ये वाला स्टेप जो है इसको आप भूल जाएंगे। इज दैट अ बिट क्लियरर नाउ? होपफुली डू यू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब इसका मैं एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। ये वाला फॉर्मूला तो यूज करने की जरूरत है, इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद नंबर ऑफ एटम्स कितने रह जाते हैं? फ्रैक्शंस में मुझे बता दो या वर्ड्स में बता दो कि एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने रह जाते हैं एटम्स। 1/2 1/2 रह जाते हैं। दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने रह जाते हैं? 1/4 1/4 यानी कि 25% रह जाते हैं। और तीन हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने रह जाते हैं? 1/8 1/8, जिसका मतलब है कि 12.5% रह जाते हैं, बाकी के 87.5% डिके कर जाते हैं। अब यही बात आप दूसरे तरीके से भी कर सकती हो। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने डिके हो जाते हैं? 50% डिके हो जाते हैं और 50% रह जाते हैं। दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद 75% डिके हो जाते हैं, 25% रिमेनिंग होते हैं, मतलब 1/4 रिमेनिंग होते हैं, 3/4 डिके हो चुके होते हैं। और तीन हाफ लाइफ गुजरने के बाद 1/8 रिमेनिंग होते हैं, मतलब के 12.5% रिमेनिंग होते हैं, और 87.5% डिके हो चुके होते हैं, 7/8 जो है वो डिके हो चुके होते हैं। तो आप इसको मेंटली अपने हेड में भी कर सकती थी। यू कैन डू दिस इन योर हेड एज वेल मेंटली कि भाई अच्छा इसको आधा किया, आधा किया, दोबारा आधा किया, 12.5% रिमेनिंग है तो डिके होने वाले 7.8 है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हमने आज किए हैं कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल में 4 क्वेश्चंस काफी नहीं है, तो आई फील है कि अगली क्लास में मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा क्वेश्चंस, ताकि हम 4 के बजाय 6 या 7 8 क्वेश्चंस कर सकें, और कल वाली क्लास में दोबारा रेडियो एक्टिविटी के ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जरा ज्यादा स्पीड में करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें। ठीक है, ओके, ये बात अग्रीड, यही इसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और व्हाट डू यू से? जी सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस की है ज़रूरत। चलो ठीक है, तो कल रेडियो एक्टिविटी को ही कंटिन्यू कर लेंगे और इसी के ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।